बिहार में AIMIM वोट कटवा पार्टी है। बिहार में AIMIM मुसलमानों की हिमायती नहीं बल्कि सबसे बड़ी दुश्मन है। राजद से सीधा टक्कर लेती है और राजद के प्रत्याशियों को हरा देती है। AIMIM को वोट देकर कोई भी मुसलमान अपना वोट बर्बाद ना करे, ये बातें कही गई है बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजद के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव के द्वारा। बता दें आपको कि बिहार के दो विधानसभा सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार जारी है। इसी क्रम में डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को गोपालगंज के जादोपुर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने महाराष्ट्र से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील करते हुए जनसभा को संबोधित किया। तेजस्वी ने कहा कि AIMIM यानी अवैसी की पार्टी BJP की बी टीम है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करने वाली पार्टी है। जादोपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता ने 17 साल BJP को मौका दिया, उन्हें सिर्फ 3 साल का समय दिया जाए, वे बिहार को कहां से कहां ले जाएंगे इसकी कोई कल्पना भी नहीं किया होगा। तेजस्वी ने कहा कि अगर 3 साल में विकास आपको नहीं दिखेगा तो अगली बार आप हमें वोट मत दीजिएगा। उनको ना 17 साल या 5 साल बल्कि 3 साल दीजिए और 3 साल बाद अगर गोपालगंज में विकास नहीं दिखेगा तो आप खुद निर्णय कर लीजिएगा। तेजस्वी यादव ने मंच से सभा में मौजूद सभी लोगों से कहा कि BJP वाले लोगों से जरा बचकर रहिएगा, त्यौहार का मौसम है, ये लोग गड़बड़ी फैला सकते हैं और अगर कुछ नहीं मिलेगा तो ये लोग हिंदू मुस्लिम भी करा सकते हैं। BJP अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है, वो किसी भी हद तक जा सकती है और ऐसी स्थिति में BJP की जो सबसे बड़ी समर्थक पार्टी है, जो सपोर्टिंग पार्टी है, वो AIMIM है। असदुद्दीन अवैसी का डील है भारतीय जनता पार्टी से कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वे मुसलमानों के पूरे वोट को ना पा सके, मुस्लिम वोटों में टूट हो, मुस्लिम वोटों में छेद लग जाए, इसलिए अवैसी की पार्टी AIMIM हर जगह खड़ी हो जाती है। आपको याद होगा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ था, सीमांचल में 5 सीटें अवैसी की पार्टी जीत गई थी और करीब 12 ऐसी सीटें रही थी, दर्जन भर ऐसी सीटें रही थी जहां पर सीधे तरीके से प्रत्यक्ष रूप से राजद के प्रत्याशियों को हराया गया था और उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण सामने आया निकलकर वो AIMIM के प्रत्याशियों का चुनाव लड़ना था। कहीं ना कहीं असदुद्दीन अवैसी जो हैं वो देश में मुसलमानों के बीच एक बहुत बड़े फैक्टर हैं जिसके चलते बहुत से मुसलमान ऐसे होते हैं जो उनको वोट देते हैं, उनकी आस्था है अवैसी पर। ये तमाम बातें कही गई हैं तेजस्वी यादव के द्वारा। आपको बता दें कि गोपालगंज के जादवपुर में जनसभा था और गोपालगंज जो है वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, यानी वहां पर वैश्य वोटर करीब 55,000 से 60,000 के आसपास हैं और उतनी ही संख्या मुसलमान मतदाताओं की है और अवैसी की पार्टी की तरफ से असलम मुखिया जो है वो प्रत्याशी बनाए गए हैं और खूब धुआंधार प्रचार चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम जो अमनौर से विधायक भी हैं वे भी वहां चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे में तेजस्वी यादव को इस बात का डर है कि कहीं मुसलमान वोट अगर छटक गया तो फिर उनके प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता कहीं चुनाव हार ना जाएं।